अब ऐसे ही आएगी जैसे जैसा हूँ देख रहे थे कि कैसा कब्जा छोड़ा जाएगा, तो उसी सिलसिले में आज हमने जो है वो विद इन म्यूनसिपल लिमिट और म्यूनसिपल लिमिट के बाहर भी जो है सात के नाल के करीब जो है वो ज़मीन को अपने कब्जे में ली। कुछ अकेडमी, एक स्टेडियम की अकेडमी थी जिसको हमने अपने कब्जे में लेकर सीज किया है, तो जो भी कार्रवाई बनेगी हम करें। वाक़ा है वो हमने अपने कब्जे में लिया है, जो अर्बन एरिया में था वहाँ पर हमने एक प्राइवेट स्कूल चल रहा था तो उसको सील करके अपने तहवील में लिया है, और आइंदा भी जिस किस्म की जो है वो स्टेट लैंड हो या काम लैंड हो या कचरा लैंड हो उस पर जिस किस्म का भी कब्जा नाजायज़ कब्जा ना पाया जाएगा तो हम उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के आर्डर के खिलाफ करेंगे। बिल्डिंग नहीं है, वो सारा जो है ओपन एरिया है, उसमें तकरीबन उसकी लगभग जो है वो 6 से 7 करोड़ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कीमत जो है वो बनती है। तो वक्त आने पर जो है हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी हदायत मिलेंगी हम उस पर अमल करेंगे। सुनकोट में जिस कदर भी एरिया पाया जाएगा अभी हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, अभी हमारी कुछ शॉप्स जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो कमर्शियल हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने जो है वो खुद ही उससे अपना कब्ज़ा जो है वो हटाना शुरू कर दिया है, और आने वाले वक्त में अगर कब्ज़ा वो नहीं हटाएंगे तो हम उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई करके उनसे जो है वो कब्ज़ा वापस लिया जाएगा। प्राइम लैंड जो हमारी हैं जहाँ पे हमने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनानी है, अभी हमारा फोकस जो है वो उन पे है, तो वक्त आने पे जो भी हमें हदायत मिलेंगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे।